अक्सर लोगों के पास 16 GB का 32 GB का कोई फ़ोन है और वो डेटा की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं कि उनके पास स्पेस फुल हो गई है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप हमारे पास ले आएँ उसको 128 GB 64 GB जो भी आपको कन्वर्ट करना होगा हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कराची को चैलेंज है, कराची के अंदर ये बैटरी कम से कम भी 12 से 15 हज़ार रुपये की मिलेगी, लेकिन ये हम बैटरी डिस्पैच कर रहे हैं 7 हज़ार रुपये। ओरिजिनल बैटरी है, 100% इसकी गारंटी है, मनी पैक बैक गारंटी है। ये बैक ग्लास ब्रोकन हुआ है, ये मशीन ही हमने इसके लिए रखी हुई है, ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, ये हमने सिर्फ इसके लिए रखी हुई है। सेफ सिक्योर टेक्नोलॉजी है कि इससे फोन के मदरबोर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जाती मिसाल ये देखें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आईफोन के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। आईफोन की स्टोरेज में कैसे और कितना इजाफा हो सकता है, आईफोन में हो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का मसला, फ्रंट या बैक गिलास हो या बैटरी का मसला, हत्ता के फोन डेड ही क्यों ना हो, अब परेशानी की कोई बात नहीं। आज हम आपको आईफोन की मरम्मत के ऐसे जदीद मरकज़ का दौरा कराएंगे जहां माहिर कारीगर जदीद इक्विपमेंट के ज़रिए आईफोन के तमाम नुक दूर करके इसे नई ज़िंदगी बख्शते हैं, तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज हम आपके जो है आईफोन के रिपेयरिंग सेंटर पे आए थे, तो यहाँ पे आपके बाद हमने देखा माशाल्लाह इक्विपमेंट भी बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है यहाँ पे, और हम सारा अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे और आपसे काफ़ी नॉलेज लेने आए थे आज हम आपके पास। अच्छा, तो ये बताएं कि आप जो है सिर्फ आईफोन ही रिपेयर्स करते हैं ज़्यादातर? जी जी, मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एप्पल का ही काम है, एप्पल की कोई भी इक्विपमेंट्स वगैरह, फोन्स वगैरह, बेसिकली आईपैड वगैरह और एयरपॉड्स, ज़्यादातर ये काम यही है। हर मॉडल आईफोन का कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल के सारे मॉडल्स हमारे पास रिपेयर हो जाते हैं, सारे पार्ट्स एसेसरीज वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एप्पल के ही फोन हैं रिपेयर होने के लिए। जी जी। अच्छा, ये इक्विपमेंट के बारे में बताएं सारा, ये इक्विपमेंट वगैरह देख रहा है, ये थोड़ी सी प्राइवेसी है, लेकिन खैर आप आएँ तो मैं आपको बताता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हमारे पास एप्पल यूज़ करने में कोई इशू नहीं है, बट ये हमें मेमोरी का इशू हो रहा था, हमें उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ये शायद आपने किसी वीडियो में देखी भी ना हो। अक्सर लोगों के पास 16 GB का 32 GB का कोई फ़ोन है और वो डेटा की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं कि उनके पास स्पेस फुल हो गई है, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप हमारे पास ले आएँ उसको 128 GB 64 GB जो भी आपको कन्वर्ट करना होगा हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपका। बड़ा इशू होता है क्योंकि मेमोरी कार्ड? जी 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 जी, उसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगता। आप जो बता रहे हैं तो हमने पहली दफ़ा ही सुना है, ऐसा मुमकिन है वाकई में? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बतेरो केसेस कर चुके हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। जी जी, ये जस्ट लाइक एक हार्ड ड्राइव होती है, जैसे सिस्टम में हमारा हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, हम हार्ड ड्राइव चेंज कर सकते हैं, इसी तरह किसी ये आईफोन के अंदर हार्ड ड्राइव होती है। जी, ये स्टोरेज है, ये स्टोरेज हम चेंज कर देते हैं, ये स्टोरेज हम हार्डवेयर से निकाल के इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये सारी डिवाइसेस जो है ना उन्हीं कामों के लिए, उन्हीं कामों के लिए। मैक्सिमम बताएं कितना आप कर सकते हैं उसकी स्टोरेज? वन डिपेंड करता है, अब देखें जैसे ये मेमोरी लगाई है 32 GB है, ये 32 GB शो हो रही है, इसी तरह मेमोरी 128 GB तक सपोर्ट, हर मॉडल की अलग सपोर्ट है ना। ठीक है, अगर 6S की बात करेंगे 6S 128 GB तक जा सकता है इजीली। ठीक है, इजीली जा सकता है, अगर हम उसको 256 करेंगे तो पीस में आपके हैंगिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि 128 बिल्कुल परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, और खर्चा कितना आ जाएगा ये? एक आइडिया के 4000 तक आपकी मेमोरी अपग्रेड हो जाती है। 4000 में तो 128 जबरदस्त, यानी कि मेमोरी कार्ड भी अगर लेना है, मेमोरी कार्ड आपको इतने का मिलेगा, मतलब हम आईफोन में तो एक तो बात ये है कि मेमोरी कार्ड लगता नहीं है, नहीं लगता। ये जो आप स्टोरेज चेंज करेंगे ये होगी जीनियन होगी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि आप 128 GB अगर कन्वर्ट कराएंगे तो एक तो फ़ोन आपका शो कराएगा, दूसरा ये आप लैपटॉप पर 3U टूल सॉफ्टवेयर है इसका, एप्पल का या iTunes है, आप उस पर कनेक्ट करें, उस पर आप देखें स्टोरेज पूरी आपको 128 GB शो कराएगी। इसके अलावा आप उसको फुल करें, आप स्टोरेज 128 GB का डेटा उसके अंदर डालें तो वो आपको फिज़िकली मतलब उसके अंदर आपको दिखाएगी कि हाँ ये स्टोरेज है इसकी, ऐसा नहीं है चाइनीज़ फ़ोनों की तरह इसमें कोई चक्कर नहीं है एप्पल के अंदर, नहीं ऐसा एप्पल के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एप्पल के अंदर ये न्यू होगी?
नहीं होगी, ऐसी बिल्कुल ब्रांड नहीं होगी। अक्सर हमारे एप्पल के यूज़र जो हैं वो आते हैं LCD के लिए, कहते हैं कि आईफोन एक्स है, आपको मालूम होगा आईफोन 8 प्लस से सॉरी टू टून आ गया, तो वो बोलते हैं LCD हमें वो डालें जिसके अंदर टू टून होता है। टू टून LCD के अंदर नहीं होता। मैं आपकी नॉलेज के लिए, सारे कस्टमर्स के लिए नॉलेज में इजाफा करने के लिए बताऊं कि टू टून LCD के अंदर नहीं होता मेरे भाइयों। टू टून आपकी पुरानी LCD के अंदर होता है, वो जस्ट कॉपी हो जाता है। अच्छा, वो कॉपी पेस्ट होता है। ये डिवाइसेस हैं उसके लिए, ये हमारे पास ये डिवाइस है इसकी, मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए टू टून कॉपी पेस्ट हो जाता है। कुछ लोग अक्सर ये सवाल करते हैं यार LCD के अंदर टू टून नहीं है तो ये ओरिजिनल नहीं है। ऐसा नहीं है, टू टून आप अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ओरिजिनल LCD के अंदर तो उसके अंदर भी नहीं आएगा। आप लोकल LCD मेरे पास ले आइए, फ़ोन में अपनी कहीं से भी लगवा के मैं टू टून जनरेट कर दूंगा उसके अंदर। और अर्शद भाई ये बताएं कि आईफोन में आमतौर पर ज़्यादा फॉल्ट्स कौन से फॉल्ट्स के साथ आते हैं? आईफोन के अंदर जो ज़्यादातर इश्यूज आते हैं वो एरर्स के ही आते हैं अक्सर। फ़ोन गिरने के बाद फ़ोन को चार्जिंग पे और लोकल चार्जर पे लगा दिया तो फ़ोन ख़राब हो गया आपका। तो वो आईफोन की एप्पल कैटेगरी की ये खासियत है कि जब आप उसको उसके ऑथराइज सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं ना आईट्यून्स पे, तो वो फ़ोन का एरर बताता है। वो एरर किस लिए होता है कि आपके फ़ोन में फ़लानी जगह से फॉल्ट आ रहा है, आपकी जगह फ़ोन के अंदर फ़लानी सेक्शन से फॉल्ट आ रहा है, ये वो हमें कोड्स में बताता है, तो हार्डवेयर पे काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा आप विजिट कराएं आपके पास, क्या क्या मैं आपको विजिट करवाता हूं। ये हमारे अहमद भाई हैं, ये बैटरी चेंज कर रहे हैं इस टाइम पे ना, इन्होंने बैटरी चेंज कर दी है। आईफोन 8 प्लस है इसकी, इन्होंने बैटरी चेंज किया। ओरिजिनल बैटरी लगाई है, कॉपी कस्टमर ने की, ओरिजिनल बैटरी लगी है ना इसके अंदर। बैटरी के चेंज करते हैं आप, तो इसका भी थोड़ा बता दें। आपने कहा था कि हमारे पास दोनों है, ओरिजिनल भी है और कॉपी भी। देखिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कस्टमर बोलता है अगर ओरिजिनल लगानी है तो हम ओरिजिनल लगाते हैं, अगर बोलते हैं तो लोकल तो हम लोकल लगाते हैं, जैसे कस्टमर के रिक्वायरमेंट होती है ना। तो आप थोड़ा आइडिया देंगे इसमें। अच्छा, ओरिजिनल बैटरी हमारे पास जैसे ही 8 प्लस है, मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, ये 2500 रुपये की लग जाएगी 8 प्लस की ओरिजिनल बैटरी ना। ओरिजिनल बैटरी, अच्छा, इसी की लोकल बैटरी मार्केट में 1000-1500 रुपये की मिल जाती है, वो भी लग जाएगी। ठीक है, मतलब हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। कस्टमर अगर अपने पार्ट्स लेकर आना चाहे तो अपने पार्ट्स ले आए, कोई इशू की बात नहीं है, हम वो भी लगा देंगे जिस तरह जो मुतमइन। जी जी, जैसे जो मुतमइन होना चाहे कस्टमर वैसे मुतमइन हो जाए। ये तो हो गया बैटरी सेक्शन। इसके अलावा आपने मोस्टली आईफोन के अंदर देखा होगा ग्लास ब्रेक का ना। जी जी, ये देखिए अब ये बैक ग्लास ब्रोकन हुआ हुआ है। ठीक है, ये मशीन ही हमने इसके लिए रखी हुई है, ये बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, ये हमने सिर्फ इसके लिए रखी हुई है। बेसिकली लोग हीट मार के और इसको निकालते हैं तो फ़ोन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना। ठीक है, तो ये लेज़र से सेफ है? लेज़र ये देखें, हमने इसका मॉडल सेलेक्ट किया है ना एक्सेस मैक्स, ये अभी अलाइन हो रहा है, ये फोकस हो गया इस टाइम पे। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये लेज़र के अंदर हाथ, लेज़र के अंदर हाथ जाएगा, तो अब ये इतनी पावरफुल लेज़र है कि ये ग्लास को कट कर लिए। जी, तो अब ये देखें, शायद आपका कैमरा प्रॉपर दिखा पा रहा हो, ये लेज़र काम कर रही है। अब ये देखें बाकायदा जल रही है ये। अच्छा, सेफ सिक्योर टेक्नोलॉजी है कि इससे फोन के मदरबोर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी। अच्छा। जीती जागती मिसाल ये है, ये देखें बिल्कुल, ये हाथ पे कुछ भी नहीं हुआ मेरे। अब लोग इसको हीट मार के निकालते हैं, हमारे अक्सर टेक्नीशियन इसको हीट मार के निकालते हैं तो नीचे मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड इसकी हीट की वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं हो पाता कि फ़ोन कितना गर्म हो गया। इसमें आपका फ़ोन गर्म भी नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपना काम ला रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वो अपना कुछ भी नहीं कर रहा मुकम्मल, वो अपना टास्क पूरा करेगा। जब हाथ अंदर आ जाएगा तो लेज़र नीचे से रुकेगी, पर ये कि लेज़र ने हाथ को कुछ नहीं किया, तो आप सोचे कि हाथ को उसने हमारे कुछ नहीं किया तो मदरबोर्ड को कैसे करेगी ऐसा देखने में। लेकिन आप देखने में वो बाकायदा जल रहा है और धुआं निकल रहा है उसके अंदर से, ग्लास को देख रहे हैं आपके सामने पूरा जला रही। कितना टाइम लेता है ये गिलास को? इस तरह डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, मे बी कोई 2-3 मिनट में ये मैक्सिमम ना। अच्छा, जला देगा, जला देता है। अच्छा, अब आप ये देखें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ये है, एक तो आपका काम सेफ है, कस्टमर का फोन सेफ है, इसके अलावा आपका टाइम कितना बच रहा है। बिल्कुल, ये तो है। और फिर इसकी फिनिशिंग भी ऐसी, फिनिशिंग इसकी अलहमदिल्ला ऐसी होगी कि आप पहचान नहीं सकते कि आपके फोन का ग्लास से हुआ है।
अच्छा इसकी कॉस्ट भी नहीं है, हमने माशाल्लाह से इसके प्राइस जो रखे हुए हैं वो 2000 रुपए रखे हुए हैं कि 2000 रुपए में आप अपना आईफोन लेकर आए, उसका बैक ग्लास है। बैक ग्लास और मॉडल वगैरह कोई मॉडल पे डिपेंड करता है। देखें आईफोन एक्स, एक्सएस मैक्स, एक्सएस तीनों मॉडल 2000 रुपए के हिसाब से हो जाएंगे, कोई भी कलर हो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा 3000 का भी है, 3500 रुपए का भी है, मतलब मैक्सिमम 4000-5000 रुपए का, इससे ऊपर का कोई भी ग्लास नहीं। नया मॉडल 12 प्रो मैक्स होगा आपका, 5000 रुपए में हो जाएगा। वैसे ये इक्विपमेंट कहाँ का है? ये सब चाइनीज ब्रांड है, ये सब टेक्नोलॉजी सब चाइनीज की है। तो ये ट्रेनिंग वगैरह भी लेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ कंपनियों से परचेज हुए हैं वही कंपनियों से इसकी ट्रेनिंग भी ली है। क्योंकि आम शॉप में तो देखते हैं कि वो तो बस छोटी मोटी शॉप में तो ये इक्विपमेंट हमने देखे नहीं। तो ये बताएंगे कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर आते हैं। कुछ लोग अपना TCS फ़ोन बेचते हैं रिपेयर के लिए। अब देखें जैसे ये भाई हमारे, ये सारा आप अजान बताएं, ये कस्टमर से आप लाइन अप पे हैं, ये क्या और क्या पूछ रहे हैं कस्टमर आपसे? कस्टमर ने आईफोन एक्स की बैटरी के चार्जेस पूछे। अच्छा, आईफोन एक्स की बैटरी इनको भेजनी है हमने, ठीक है। ऑनलाइन सेक्शन है ये, तो ये हम कस्टमर को हम जैसे, अब आप ये देखें कस्टमर अब आ नहीं सकता इस्लामाबाद से, लाहौर से। ये 12 प्रो, एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये 12 प्रो मैक्स की बैटरी है, ठीक है। ये अभी डिस्पैच होने सारे ऑर्डर ना, ये 12 प्रो मैक्स की बैटरी है। इसके आप वैसे मार्केट में हमारे कराची को चले जाएंगे, कराची के अंदर ये बैटरी कम से कम भी 12,000-15,000 रुपए की मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये हम बैटरी डिस्पैच कर रहे हैं 7,000 रुपये में। 7,000 जी, ओरिजिनल बैटरी है, 100% इसकी गारंटी है, मनी पैक बैक गारंटी। अगर कोई आपको बोले लोकल है, इस फोन पे आप लगा के देखें कि ये यूज़ हुई हुई है या बैटरी हेल्थ बढ़ी हुई है, तो हम आपको ये रिप्लेस करके देंगे। ये सारे ऑर्डर डिस्पैच होने के लिए आप देखें, ये आईफोन एक्स LCD हमारे एक ओकाड़ा से कस्टमर हैं, उन्होंने मांगी है, वो आ नहीं सकते, फ़ोन भेज नहीं सकते, तो ये LCD वो वहाँ से लगवा देंगे। उनको वहाँ नहीं मिल रही है ओरिजिनल LCD ना। अच्छा, ये ओरिजिनल है जी, ये ओरिजिनल LCD उनको वहाँ नहीं मिल रही, तो ये हमने उनको भेजी है 15,000 में। वैसे मार्केट प्राइस 21,000 रुपये 22,000 रुपये यहाँ पर मिलती है जी, लेकिन हमने ये उनको 15,000 में भेजी। कॉपी की बात करें तो कितना फ़र्क है? अच्छा, इसकी कॉपीज़ भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं कॉपीज़ की, वो भी मिल जाएंगी हमारे पास 7,000-8,000 रुपये में मिल जाएगी। अब हमारे रिपेयरिंग वाले जी, हमारे रिपेयरिंग वाले भाई हैं, ये उनके लिए ऑर्डर डिस्पैच करने, ये आपको देखने में मदरबोर्ड दिख सकेंगे, ये बेसिकली पार्ट्स के तौर पर रिपेयरिंग के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हमारे रिपेयरिंग वाले भाई हैं, कुछ लाहौर में, कुछ इस्लामाबाद में, ऑल ओवर पाकिस्तान जी जी। अच्छा भाई, इसके अलावा दिखाएं? और इसके अलावा आप ये जैसे देख सकते हैं, ये मैंने आपसे जिक्र किया था, ये हमारे शौकत भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दुबई में होते थे, इनको हमने खास रिक्वेस्ट पे बुलवाया था। माशाल्लाह जबरदस्त, दुबई से आए हैं। देखें भाई क्या कर रहे हैं आप, बताइए। शौकत भाई क्या कर रहे हैं? आईफोन 6 के हैं, डैमेज हुआ है, गिरा हुआ बोर्ड है, तो कंपोनेंट्स निकले हैं जो भी, तो वो बारीक बारीक होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में देख के कैमरे में भी शायद सही नज़र नहीं है। अच्छा, अगर आप माइक्रोस्कोप की स्क्रीन पे देखें तो शायद आपको यहाँ से कुछ इमेज दिख सके। शौकत आप अगर यहाँ से दिखाएं, एक लेंस के अंदर से जूम करके चेक करें, ये गिरा हुआ फ़ोन है, तो इसके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये निकले हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये भी निकला हुआ, ये भी निकला हुआ, ये भी निकला हुआ, जो ऐसे नज़र भी नहीं आते ना माइक्रोस्कोप में देख देख के, तो उनको मैं रिपेयर करूँ। हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त। तो ये था माइक्रोस्कोप, ठीक है। शुक्र भाई, आप अपना काम कंटिन्यू करें, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। ये सारी चीज़ें मेंशन की नहीं है हर कैबिनेट्स के ऊपर कि यार ये हमारे पास पार्ट्स हैं स्टॉक में, ताकि कोई भी आए तो शॉप वर्कर में से कोई भी ईजीली इसको हैंडल कर सके। आईफोन कोई नया बंदा जिसको नॉलेज नहीं है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आईफोन परचेजिंग के लिए? आईफोन परचेजिंग के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप कहीं से भी मार्केट से एप्पल परचेज करें तो उसको रेज माई आईफोन करके चेक करके लें, क्योंकि अक्सर होता है कि आईडी हाइड हुई होती है और कस्टमर इरेज करता है, तो इरेज करने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है, कोई ना कोई इशू। आईफोन के अंदर ये ख़ास चीज़ है कि जब भी आप उसको इरेज करेंगे तो वो दोबारा से अपनी हर कैटेगरी को ना, कैमरे को, फेस आईडी को, हर चीज़ को दोबारा से सिंक्रोनाइज करता है। अच्छा, फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अगर किसी चीज़ में बाईपास हुआ होगा, कोई चीज़ एडिट हुई हुई होगी या कोई जुगाड़, देसी जबान में बोलूँ कोई जुगाड़ हुई हुई होगी, तो वो बाकायदा फ़ोन एरर पे आएगा। बाईपास का वर्ड हमने बड़ा देखा है, ओएलएक्स पे भी हम लोग काफ़ी चेक करते हैं, अपने लिए भी देखना होता है, तो
ये बाईपास वाले फोन क्या होते हैं? बाईपास वाले फोन ये होते हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो जिनकी आईक्लाउड आईडी बाईपास हो जाती है। अच्छा, आईक्लाउड आईडी बाईपास हो जाती है तो वो नॉर्मली नॉर्मल फोन की तरह चलने लग जाते हैं, जिसको अक्सर लोग बाईपास या एमडीएम कैटेगरी कहते हैं। उससे ये होता है कि जस्ट आप एप्पल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं कर सकते अपनी डिवाइस का। अच्छा। आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है, मैंने आपसे पहली दफ़ा में जिक्र किया ना कि इरेज माय आईफोन करें तो आपको सब पता चल जाएगा उसके बारे में। अक्सर होता है कि बैटरी हेल्थ बढ़ाई हुई है। ठीक है, आप जैसा कि ये देख सकते हैं इसके ऊपर मेंशन हुआ है 81, ये 81 इसका नंबर नहीं है जी, 81 ये बैटरी, ये बैटरी हेल्थ लिखी है। मैं इसकी हेल्थ बढ़ा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, मेरे पास ये एडिटर भी रखा हुआ है, लेकिन बात ये है ये इसकी एक्चुअल है, एक्चुअल ओरिजिनल है। मैं इसकी हेल्थ इसी से बढ़ा के मैं इसको 100% कर दूंगा जी जी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाएगी कि ये जब किसी यूज़र के पास जाएगा तो वो उसको जब इरेज माय आईफोन करेगा तो इसकी बैटरी हेल्थ एक्चुअल पे आ जाएगी जो कि 81 थी। फिर वही बात के बाद ख़राब होने वाली बात होती है, और ऐसा काम हम नहीं करते हैं, हम कस्टमर को जो चीज़ बोलते हैं वो वैसी की वैसी ही देते हैं। कस्टमर की मर्ज़ी, इसकी 81 से 100 करवा लें, कोई इशू नहीं है, हम करके दे देंगे। लेकिन जेन्युइन अगर इसकी बैटरी हेल्थ बनवानी है तो उसके लिए हमें बैटरी चेंज करनी है। पीटीए अप्रूव्ड का भी बड़ा इशू है, तो ये आईएमईआई नंबर वगैरह भी जो इसके लोग करा सकते हैं? आईएमई नंबर अप्रूव जरूर करवा सकते हैं, एप्पल की किसी भी डिवाइस का आईएमई नंबर चेंज नहीं हो सकता, नहीं, एप्पल की सिक्योरिटी है इतनी हाई फाई, आईएमई चेंज कर, आईएमई चेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं होता किसी भी तरीके से, पॉसिबल ही नहीं जी। अच्छा, दूसरा ये बताएं, जैसे मैं खुद व्लॉगर हूँ तो मैं अपने मतलब का एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि ये आईफोन में कौन से मोबाइल के कैमरे सबसे अच्छे हैं, कि अगर व्लॉगिंग के लिए अगर लेना चाहें का देखें, अगर आप यूट्यूबर्स या हमारे टिकटॉकर, आपको मालूम है आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तो 11 सीरीज से आप कह लें कि कैमरे नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और 12 सीरीज़ तो फिर वही बात है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो जाएगा, लेकिन 12 सीरीज़ के कैमरे आपको DSLR कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इतना अच्छा कैमरा है। डैड आईफोन वगैरह भी हमने जी सुना जी अलहमदिल्ला। अगर देखें, बात यह है कि अक्सर हमारे पास ऐसे फ़ोन आते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करवा के छिड़वा कर लेकर आते हैं, तो फिर तो नामुमकिन बात है, लेकिन यह है कि एक लिमिट तक अगर फ़ोन छिड़ा हुआ है तो भी बन जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं कि वाटरप्रूफ का, इसका भी थोड़ा क्लियर करें। सर देखें, एप्पल डिवाइसेस वाटरप्रूफ नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंस होती है सबसे बड़ी बात, और वाटर रेजिस्टेंस भी अप टू इतने परसेंट, अप टू इतनी परसेंट लिमिट है। अच्छा, दूसरी मज़े की चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, सब समझदार हैं माशाल्लाह, कराची के अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, वो 50-40 समथिंग फलान पे चला जाता है। अब इस टेम्परेचर पे वो एक नन्ही सी सील है, अब आप सोचें कि वो गर्मी से नहीं पिघलेगी, वो अंदर पिघल चुकी होती है, हमें पता ही नहीं होता, हम पानी के अंदर ले जाते हैं। वैसे या 2-3 साल यूज़ हुए हुए मॉडल्स आते हैं, वैसे ही ऑलरेडी हमारे पास नए फोन कम ही यूज लोग परचेस करते हैं, सब यूज ऑफिशियल तो यहाँ स्टोरी नहीं है जी, आते यूज ज्यादा। ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया आपने, और ये सॉफ्टवेयर कौन सा बता रहे थे आप? ये देखें, 3U टूल है, ये लोगो लगा हुआ आपका, 3U टूल, ये एप्पल के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये कोई भी यूज़र यूज़ कर सकते हैं? जी, इजीली फ्रेंडली यूज़ है। अब देखें, जैसे हमने फ़ोन कनेक्ट किया, एप्पल का हमने फ़ोन कनेक्ट किया इसके साथ आईफोन एक्स, इसके बाद इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं, ये पूरी ये इसकी डिटेल आ रही है, आईफोन एक्स 64 GB ये इसका वर्जन आ रहा, ठीक है, या आई क्लाउड देखें आप इसके अंदर, जैसे ये स्क्रीन ब्रोकन है, जस्ट टच नहीं चल रहा, तो ये मेंशन करा रहा है आई क्लाउड ऑफ है, ये इसका सीरियल नंबर है, ये आईमी है, और ये इसकी बैटरी लाइफ 91% बैटरी हेल्थ है, चार्जिंग टाइम 340 टाइम चार्ज हो चुका है ये, ठीक है। अगर हम इसके वेरिफिकेशन डिटेल्स में जाते हैं तो बाकायदा ये मेंशन कर रहा है कि ये एप्पल रिप्लेसमेंट डिवाइस है, ये किसी केस में एप्पल के पास गया होगा कस्टमर लेके, उसने एप्पल ने रिप्लेस करके दिया, फिर उसने सेल कर दिया, व्हाटएवर जो भी स्टोरी है, लेकिन ये यहाँ पे मेंशन कराएगा। अच्छा, मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो ये भी मैं नहीं कर सकता, एप्पल रिप्लेसमेंट डिवाइस चेंज नहीं कर सकता। अब आप ये देखें, सारी चीज़ें इसकी मेंशन करा रहा है, ये ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, हर चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे। ये कैमरा अगर फ्रंट बैक कैमरा चेंज होता तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मे बी चेंज, फॉल्ट में जो रिपेयर हुआ फ़ोन होता तो ये बता देगा जी जी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कैमरा मे बी चेंज। अभी इत्तेफाक से मेरे पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे कैमरा मे बी चेंज, बैटरी चेंज होगी तो बैटरी सीरियल नंबर ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बैटरी मे बी चेंज, इसी तरीके से हर चीज़ एडिट हो जाएगी बाकायदा, वो
ग्रीन की जगह रेड कलर में हो जाएगा। ये अब आप देख रहे होंगे कि यार ये क्या आपने मदरबोर्ड का एक्सरे बनाया भाई। ये एप्पल का, एप्पल के लिए बेसिकली यूज़ होता है। जैसे ये एक्सेस हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे बेसिकली रिपेयरिंग के लिए, हार्डवेयर वाले भाइयों के लिए है कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है फ़ोन के अंदर से, कोई मदरबोर्ड, ये बाकायदा पूरा मदरबोर्ड है और बाकायदा ये बताएगा कि ये वेज आपके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। जैसे ये आईसी का वेज है, तो अगर कोई आपका प्रिंट डैमेज है तो ये कहाँ जा रहा है, तो ये मेंशन कराएगा बाकायदा कि ये कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब जैसे ये सब चीज़ें मेंशन करा रहा है ना, ये देखें, ये बता रहा है कि ये इस आईसी के अंदर प्रिंट आ रहा है। अगर आप फिज़िकली ढूंढने के लिए बैठेंगे तो आपको सुबह से शाम हो जाएगी। ये यहाँ से कनेक्टर का प्रिंट इस आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर पे कर, नहीं ये 3D टूल नहीं है, ये टेट सॉफ्टवेयर है हमारा। अगर कोई हार्डवेयर वाला हमसे मांगता है तो हम उसको ऑनलाइन एक्सेस दिलवा सकते हैं। इसके अंदर सारे मॉडल्स हैं, ईच एंड एवरी थिंग। एप्पल की टोटल रिपेयरिंग एक अपनी ही अलग क्लास रखती है। अच्छा, इसके अलावा आईफोन के अलावा भी आप स्मार्टफोन वगैरह भी रिपेयर करते हैं इस सेंटर में? नहीं, इस सेंटर में हम लोग एंड्रॉइड का कोई भी फोन रिपेयर नहीं करते, सिर्फ आईफोन, एप्पल स्पेशल आईफोन के लिए सेंटर बनता माशाल्लाह। मुझे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। अच्छा, अरशद भाई थैंक यू, आपने इतनी नॉलेज भी दी, विजिट भी कराया। तो आप काइंडली ये बताएं कि किसी ने अगर यहाँ पे फिजिकली विजिट करना हो उसके लिए भी, और अगर कोई अदर सिटी में बैठे हैं इस तरह आपने कहा कि आपके बात है जी, तो जी। किस तरह आपसे रब्ता करें? आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप अपने लिंक पे भी चला सकते हैं। 0332-214-2141 ये हमारा मोबाइल नंबर है जो एनी टाइम ऑन है। आप इस पर व्हाट्सअप के ज़रिए भी, कॉल के ज़रिए भी, किसी भी टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी हमारा नुमाइंदा फ्री होगा आपको कॉल करेगा या रिप्लाई करेगा, किसी भी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। आप वैसे भी कोई फ़ोन कहीं से परचेस कर रहे हैं कोई राय लेने के लिए, किसी किस्म का मशवरा लेने के लिए फ़ोन के हवाले से, आप कॉल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एड्रेस शॉप नंबर 1F, न्यू सरीना फैमिली मार्केट, सकी हसन, कराची। ये सरीना मोबाइल मार्केट के, सरीना मोबाइल मार्केट के बिल्कुल साथ है, सरीना फैमिली मार्केट है, सरीना फैमिली मार्केट, ठीक है, यहाँ पर होते हैं अरशद भाई। ठीक है, थैंक यू अरशद भाई। ओके, थैंक यू सो मच।